गाइस क्या हो अगर हम लोग एक साथ 100 एंडर पर्ल को फेंके तो क्या हम लोग 100 बार टेलीपोर्टेंगे या एक बार टेलीपोर्टेंगे या 50 बार टेलीपोर्टेंगे या टेलीपोर्ट ही नहीं होंगे। तो देखो काम बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुमको कुछ भी नहीं, पहले एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेना है, बिकॉज एक साथ 100 एंडर पर्ल फेंकना माइनक्राफ्ट में इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अभी हमको जाना है नीचे, यहाँ पे डालना है एक सोल सैंड एंड हर जगह से ब्लू है पानी पानी कर देना है। तो अभी मुझे करना कुछ नहीं है, जो पानी है ना इस पानी के अंदर सभी एंडर पर्ल को डाल देना है कुछ इस तरीके से। All set! तो ये देखो सभी के सभी एंडर पर्ल मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे टीएनटी, यहाँ पे टीएनटी हमको लेना है रेड स्टोन। अब जैसे मैं यहाँ पे रेड स्टोन लगाऊंगा ये सभी के सभी एंडर पर्ल उड़ के सामने के साइड जाएंगे, और अगर एक साथ 100 एंडर पर्ल उड़ के जाएंगे सामने के साइड तो मैं कहाँ पर टेलीपोर्ट होगा, कोई एक जगह पे या 100 बार टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। तो आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे डालना है हमको रेड स्टोन, लेट्स गो। रेड स्टोन डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे ये फूटा एंड विल गो, लेट्स गो। देखते हैं हम लोग कहाँ पर टेलीपोर्ट होते हैं। वाह वाह, नाइस, ग्रेट ग्रेट। तो अब बस आपको रेड स्टोन लगाना है और उसके बाद देखना है ये सभी के सभी एंडर पर्ल कहां पर जाएंगे और मैं कहां बार कितनी बार कैसे किस तरीके से टेलीपोर्ट होता हूं। तो यहां पे मैंने रेड स्टोन को लगा दिया। ओ माय गॉड, क्रेजी, क्या होगा क्या होगा, लेट्स गो। और ये लो सभी के सभी एंडर पर्ल उड़ गए सामने की साइड। ओ व्हाट, क्या हुआ ये, अरे अरे अरे, मैं अभी भी टेलीपोर्ट हो जा रहा हूं कंटीन्यूअसली। और एक मिनट, मैं एक ही जगह पे बार बार टेलीपोर्ट क्यों हो रहा हूँ, मुझे ये चीज नहीं समझ रही है बस, और बाकी सब तो क्लियर है। अरे फिर से ये तो अभी मैंने ट्रैवल किया था इस जगह पे, मतलब कि ये चीज एकदम सही है। अगर आप 100 एंडर पर्ल को एक साथ फेंकते हो तो आप एक नहीं बल्कि 100 बार अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होगे, और इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल रहा। तो आप लोग इससे समझ जाओ आज की इस वाली वीडियो में कितने खतरनाक और कितने क्रेजी एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। एंड आप कहोगे किसकी कुदरत की माया है। आप लोगों ने कभी ये चीज सोचा है कि एक ब्लॉक में, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ब्लॉक में हम लोग कितने एंटिटी स्पॉन कर सकते हैं? 20, 50, शायद 100, 1000, 1,00,000 या 1,00,00,000। तो इसीलिए तो यार एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। तो ये देखो मैं गेम में आ चुका हूँ, यहाँ पे हम लोग विलेजर्स को स्पॉन करने वाले हैं और देखते एक ब्लॉक के अंदर कितने विलेजर्स टोटल स्पॉन होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28. What the heck? 28 में अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स मर गए। यहाँ पे विलेजर्स मर गए एक्चुअली। वापस एक बार ट्राई करते हैं 28 के आगे जाता है कि नहीं। 29, यू नो 29 डाला तो एक मर गया। लास्ट लास्ट हम लोग 28 डाल सकते हैं, एंड अगर 28 के आगे कोई भी अगर हम लोग डालते हैं ना तो एक विलेजर मर जाता है। बेटे तो शुरू होने के पहले खत्म हो गया यार। देखो टीएनटी की पावर आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्या लेकिन आपको क्रीपर की पावर पता है? नहीं पता ना। तो क्या हो अगर हम लोग 1,000 क्रीपर को एक साथ फोड़े तो क्या ये एक पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर सकता है? बहुत 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 ज्यादा क्रेजी एक्सपेरिमेंट है। देखो नॉर्मली तुमको टीएनटी पावर सब पता रहेगा, बट आज के इस वाली वीडियो में तुम लोग क्रीपर पावर भी देखने वाले हो। तो एक काम करेंगे हम लोग, ये जो घर है इसके हर एक कोने में, हर एक इवन तो छोटी से छोटी जगह पे भी आज हम लोग क्रीपर को स्पॉन करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैंने हर जगह कुछ ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर बना के रख दिए इस पूरे घर में, टेरेस से लेकर नीचे तक। अब ये स्ट्रक्चर के बीच में क्या आएगा? क्रीपर्स, ऑब्वियसली। ऑल सेट, तो सभी फ्लोर्स पे लग चुके हैं क्रीपर धड़ाधड़, मतलब यहाँ पे टोटल अराउंड 1200 क्रीपर्स। आ जाओ लाइट अप के चॉप करते हैं। सबमिशन शुरू होता है अब से, लेट्स गो। आई डोंट नो क्या होने वाला है। ओ माय गॉड। अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर की हालत देखे तो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि क्रीपर सब एक जगह पे हैं। अब लग रहे हैं ना भाई यहाँ पे क्रीपर ही क्रीपर। अब ब्लास्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे इतने सारे क्रीपर्स को। लेट्स गो। ओके मैंने कर दिया। लेट्स गो, यहाँ पे कंटिन्यूसली आग लगाना हमको, और यहाँ पे बहुत धमाका हो रहा है वो हमको देखने को मिल रहा है। वो क्रेजी, होने दो। बाकी भी बहुत सारे क्रीपर, बाकी सभी क्रीपर को जला कर देखना हमको कि वर्ड बिल्ड विद द रिजल्ट धमाका हो रहा है इतना हमको पता चल रहा है। एंड दिस इज द रिजल्ट गाइस, इतने सारे क्रीपर को फोड़ने के बाद गाइस ये हालत देखना फ्लोर की कैसी हो चुकी है। ये वाले फ्लोर की
मतलब एक चीज जरूर इस एक्सपेरिमेंट से सीखने को मिली है कि हजार क्रीपर टीएनटी का मुकाबला जरूर नहीं कर सकते। अगर इसी जगह में अगर हजार टीएनटी फोड़ता ना तो अभी तक मैं ये घर के अंदर ना परलय आ जाता, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हेलो डिस्कॉर्ड मेंबर्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में हमको नैन मटक्का करना है। अब आपको पता रहेगा एंटरमैन की आंखों में जैसे हम लोग देखते हैं एंटरमैन इतना ज्यादा तेजी से भागकर हमारी तरफ आता है कि पूछने के लिए नहीं। बट अगर क्या हो 10 बंदे एक साथ एंटरमैन की आंखों में देखेंगे तो क्या एंटरमैन हम सभी के सभी 10 बंदे को मारेगा या किसी एक को मारेगा? तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे बंदे बैठे हुए, टोटल 10 बंदे इस केज के अंदर है। कि एंडरमैन किसको किसको भरता है, एंडरमैन को यहाँ पे करते हैं स्पॉन। देखो भाई एंडरमैन की आंखों में, तो सब लोग ने एंडरमैन की आंखों में देख लिया है, एंडरमैन चार्ज हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे आप गौर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एंडरमैन एक ही जगह पर खड़ा है, वो किसी को भी नहीं मार रहा है। ओ एंडरमैन गायब हो गए यहाँ से। क्या ऐसा होता है कि अगर एक साथ इतने सारे बंदे देखेंगे तो एंडरमैन कोई किसी को कुछ नहीं करेगा? ये देखो अभी भी एंडरमैन कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा, इतने सारे बंदे उसकी आंखों में देख रहे हैं ना, उसको समझ नहीं आ रहा मैं मारू किसको। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एंड एंडरमैन अपने आप चला भी गया। बहुत क्रेजी एक्सपेरिमेंट था ये। एंड यस गाइस, अगर आप लोगों को भी हमारी वीडियोस में आना है तो जाके जल्दी से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, क्या पता आप भी वीडियो में आ जाओ। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, क्या हो अगर हम लोग एंडरमैन को वॉइड में गिरा दें? देखो एंडरमैन के पास एक स्पेशल एबिलिटी जो वो है कि वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, तो वॉइड में गिरने का क्या वो खुद को टेलीपोर्ट करेगा या वो मर जाएगा? ओके, तो प्लेटफॉर्म रेडी है बेडरॉक के यहाँ पे, अभी हमको यहाँ पे एंडरमैन को स्पॉन करना है। मैंने स्पॉन कर दिया है, अब देखते हैं इस ग्लास को तोड़ के, मेरे को इसकी आंखों में नहीं देखना है। ग्लास को तोड़ दिया, लेट्स गो। एंडरमैन नीचे गिर गया, तो यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे एंडरमैन को स्पॉन करेंगे, ठीक है? तो पता चले ये मर रहे हैं या टेलीपोर्ट हो रहे हैं, तो अब इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गो। ओके नीचे जा रहे हैं, क्या ये मरेंगे? अरे ये तो मर रहे हैं, ध्यान से आप स्लोमो में गौर करो तो उनके ऊपर रेड रेड आ रहा है। लेकिन ना 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 ना, नो टेलीपोर्टेशन पावर, इनको जाके वॉइड में मरना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, 7, 8, मुझे नहीं पता कोई तो भी इनमें से है। वेल डन आइस वर्सेस पैक्ड आइस। अब आपको पता रहेगा आइस पर नॉर्मली हमारी बोट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि पूछने के लिए, तो इसीलिए एक साइड है हमारे पास आइस और एक साइड है हमारे पास पैक्ड आइस। तो ये चीज देखने के लिए हम बुलाते हैं हमारे वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट यूट्यूबर ऑफ ऑल टाइम, नाना नाम, दैट ग्रेट। ओके, तो इस राउंड में मैं भी खेलने वाला हूं, तो तुमको तो पता है मैं कितना ज्यादा प्रो हूं। तो यहाँ पे मैं आइस पे बोट पे ट्रैवल करूंगा एंड आलूक ट्रैवल करेगा पैक्ड आइस पे। दो, एक, लेट्स गो। ओके, मैं आइस पे ट्रैवल कर रहा हूँ, आइस पास। मैं व्यू सबसे पहले मैं मरा। देखो नूब ट्राइड, नूब किस तरह का मालूम किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पैक्ड आइस है ना, वो थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फास्ट है। एंड यस, अगर आपके पास भी कोई एक्सपेरिमेंट है माइनक्राफ्ट गेम के रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि इसको हम लोग गेम में जरूर ट्राई करेंगे। सो या कमेंट, मैं नहीं बताऊंगा।